वालेकुम व्यूअर्स आज का मेरा व्लॉग यकीनन आपको पसंद आएगा बहुत ही सिंपल है और मैंने बहुत कोशिश की है इसमें कि मैं अच्छा कुछ कर पाऊँ तुम बताइएगा मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा तो शाम के पाँच बजे से ऊपर ही टाइम हो चुका है मैं असर की नमाज़ पढ़ के किचन में आई हूँ तो आज मैंने खाने पे बुलाया है अपनी भाभी और बच्चों को तो मुझे कुछ डिशेस तैयार करना थी तकरीबन मैं चार डिशेज़ रेडी करूंगी उनके लिए तो देखते हैं मैं किस हद तक इसमें कामयाब हो पाती हूँ क्योंकि सात बजे तक उन लोगों ने आ जाना है और मेरा यही था कि मैं सात बजे तक फ़ारी के उनके पास बैठूंगी तो हेल्प के लिए मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ है आज किचन में तो मैं यहाँ पर ये मैंने गोश्त डाला इसमें तकरीबन तीन पाव मेरे पास ये गोश्त था तो इसमें मैंने साबुत गर्म मसाले डाले हैं ये डाल के मैं सारा तो इसमें अब मैं पानी ऐड कर रही हूँ देखिए यहाँ चार ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है तो इसे मैं प्रेशर दे दूँगी ताकि मैंने पुलाव रेडी करना है ताकि वो जल्दी से उसमें गल जाए तो दस मिनट के लिए मैं इसे प्रेशर दूँगी और ये पुलाव भी मेरी बेटी ही रेडी करेगी तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है नमक डाला है और मैंने इसे प्रेशर दे दिया है तो यहाँ पे देखिए दही बड़े रेडी कर रही है मेरी बेटी तो उसने फुल्कियाँ डाल दी हैं बंद गोभी काट रही है ये यह यहाँ पर तो दही बड़े बहुत ही पसंद है मेरी भाभी को तो इसलिए मैंने इस डिश को तो ख़ास तौर पर रेडी किया तो यहाँ देखिए प्याज भी कट रही है साथ बहुत ही मज़े के दही बड़े ये रेडी हुए थे और बहुत ही सिंपल दही बड़े हमने बनाए थे इसमें चाट मसाला का बिल्कुल यूज़ नहीं किया हमने सिंपल सी चीज़ें डाली हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बने थे टमाटर डाल दिए उसने इसमें अब आलू काट रही है आलू के बिना तो दही बड़े मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी कई लोग आलू पसंद नहीं करते वो दही बड़े में भी नहीं डालते लेकिन मुझे ये बिल्कुल ऐसे बेकार से लगते हैं तो मैं तो इसमें आलू बहुत शौक़ से डालती हूँ तो यहाँ देखिए हरी चटनी भी दही बड़े में बहुत ही मज़े की लगती है कई लोग इमली की चटनी डालते हैं तो इस वक्त मेरे पास इमली की चटनी नहीं थी तो मैं ऐड नहीं करी लेकिन उसके बिना भी दही बड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं और एक बात और आपसे शेयर करती चलो जब भी आप प्याज डालें दही बड़े के अंदर तो प्याज को हमेशा वॉश करके डालिए बिल्कुल ऐसे प्याज क्रंची क्रंची सी बहुत ही अच्छी लगती है इसके अंदर अगर आप ऐसे ही डाल देंगे तो उतना मज़ा नहीं देती और थोड़ा कड़वापन भी इसमें रहता है धो के डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यहाँ पे ज़ीरा डाला है नमक डाला है थोड़ी सी काली मिर्च डाली है और लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया और फाइनली हमारे दही बड़े तैयार हो गए हैं तो हम यहाँ देखिए मिक्सिंग भी अच्छी तरह से कर ली है और ऊपर पुदीने की पत्तियों से गार्निश की है क्लिंग से रैप करके हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ठंडे ठंडे दही बड़े बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो ये देखिए फाइनल लुक और ऊपर से पिसा हुआ ज़ीरा भी डाला है इसके ऊपर वो भी बहुत ही अच्छा लगता है तो यहाँ मैं कौरमे की तैयारी कर रही हूँ तो ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड किया इसके अंदर और साथ ही इसमें मैं स्पाइस भी डाल दूंगी ये कौरमा भी बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आपको कौरमे की रेसिपी चाहिए तो वो मेरे चैनल पर मौजूद है लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं तो यहाँ देखिए चिकन को मैंने धो के बहुत ही अच्छे तरीके से रख दिया था तो मसाले के साथ मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स करके रख दूंगी तो यहाँ मैंने थोड़े से लौंग इलायची भी लिया वो भी इसमें ऐड करके तो मैं रख दी यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि मुझे कौरमे के लिए प्याज को ब्रीक स्लाइसिस में कट करना था तो प्याज़ को मैं फ्राई करूँगी और इस प्याज को निकाल के तो फिर मैं इसे दही के साथ मिक्स करके डालूंगी तो यहाँ देखिए हमारा पुलाव रेडी हो रहा है और यहाँ मैंने दूध साइड पे रख दिया है कस्टर्ड बनाने के लिए तो यहाँ देखिए कस्टर्ड भी बहुत ही मज़े का बना था फाइनल लुक में दिखाऊंगी इसकी भी आपको तो यहाँ पे जो पुलाव के लिए प्याज़ था वो ब्राउन हो गया था टमाटर ऐड किए हरी मिर्ची काट के डाल दी थी और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड किया उसमें अच्छी तरह से इसे मिक्स किया बहुत ही मज़े का ये पुलाव बना था थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाला बहुत ही अच्छे से भुन जाए तो यहाँ देखिए सारा गोश्त वो डाल दिया है थोड़ी देर इसको भी फ्राई करेंगे मसाले के साथ तो यहाँ देखिए मैं थोड़े से मेरे पास ये केले पड़े हुए थे और एप्पल मैंने उनको काट लिया है बहुत ही अच्छे से कस्टर्ड में डालने के लिए कस्टर्ड मैंने बना के साइड पे रख दिया था तो ठंडा होने पे मैं उसमें ये फ्रूट भी ऐड कर दूँगी अभी तो ये पानी डाल दिया पानी में बॉयल आ चुका है चावल ऐड कर दिए हैं तो यहाँ पे कस्टर्ड भी मेरा ठंडा हो चुका था तो मैंने ये कस्टर्ड ऐड किया और इसके अंदर ये मैं कटे हुए फ्रूट डाल दूँगी ऊपर से दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे हम बहुत ही मज़े का कस्टर्ड भी रेडी हुआ था बच्चों को बहुत ही पसंद आया तो इस तरह से फ्रूट डाल के कस्टर्ड बनाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो यहाँ देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी मैं अब इसके ऊपर डाल दूँगी यहाँ मैंने किशमिश ली थी खोपरा बादाम इस तरह से मैंने इसके ऊपर डाल दिया है जो भी ड्राई फ्रूट्स हों आप वो कट करके डालिए इस तरह की चीज़ों में बहुत ही मजे के लगते हैं तो यहाँ देखिए चावलों को बस दम पे लगा दिया है तो यहाँ देखिए हमारी चीज़ें सारी डिशेस हमारी रेडी हो चुकी थी मेहमान हमारे आ चुके थे तो मैंने बच्चों के लिए चॉकलेट केक भी रेडी किया था तो छोटा जो मेरा भतीजा है उसकी सालगिरह थी तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आप लोग ये वाला केक भी टेस्ट कर लोगे तो यहाँ देखिए वो केक काट रहा है और उसकी मामा ने साथ नाइफ को पकड़ा हुआ है क्योंकि वो चाह रहा था कि मेरे हाथ में बस ये दे दो और मैं खुद ही सारा कुछ कट कटाओ कर लूँगा तो ये देखिए बहुत ही शरारती है ये बच्चा यहाँ साइड पे मेरा बेटा बैठा हुआ है रेड शर्ट वाला और साथ मेरे भतीजे भतीजियाँ सभी केक को बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही इनको पसंद आया था केक और ये है हमारे खाने का फाइनल लुक तो यहाँ देखिए कौरमा बहुत ही टेस्टी बना था पुलाव मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम रेडी किया था बहुत ही मज़े का बना था दही बड़े बहुत मज़े के बने थे और कस्टर्ड भी लाजवाब था तो आपको मेरा यह व्लॉग कैसा लगा मेरी डिशेस कैसी लगी अल्लाह हाफिज़